ये कहानी एक ऐसे आदमी के ऊपर आधारित है जिसे एक लड़की से प्यार हो जाता है। अपनी मेंटल कंडीशन के वजह से वो उस लड़की के हाथ पैर काट देता है ताकि वो किसी और के साथ घपाघप ना कर पाए। उसके बाद उनकी लाइफ में क्या होता है वो हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ इस मूवी का नाम है बॉक्सिंग हेलिना और ये मूवी 1993 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक फ्लैश सीन को देखते हैं जहाँ निक नाम का बच्चा अपनी माँ को पराए मर्दों के साथ देखता है। दैट मीन्स कि उसकी माँ का बहुत लोगों के साथ अफेयर था। तभी हम प्रेजेंट की स्टोरी को देखते हैं और निक काफी बड़ा हो गया है और रिसेंटली उसकी माँ की डेथ हो गई है। उसके बाद निक हॉस्पिटल जाता है जहाँ हमें पता चलता है कि निक एक बहुत बड़ा डॉक्टर है। हॉस्पिटल के बाद निक अपने घर जाता है जो उसकी माँ के डेथ के बाद उसे विरासत में मिली थी। निक वहाँ पहुँच के काफी रोने लगता है क्योंकि वहाँ उसका बचपन बीता था। शाम को वो डॉक्टर लॉरेंस के साथ एक बार क्लब में जाता है जहाँ वो हेलिना नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखता है जिसे देख के निक का स्पाइडरमैन खड़ा हो जाता है। दरअसल निक हेलिना को पहले से जानता था। कुछ समय पहले ये दोनों एक रिलेशन में थे और बाद में हेलिना ने निक को छोड़ दिया था, पर निक अभी भी इस आस में था कि एक दिन हेलिना लौटकर जरूर आएगी। रात में निक अपनी वाइफ के साथ डिनर करने के बजाय जॉगिंग पर जाता है। रास्ते में उसे हेलिना की कार नजर आती है और वो हेलिना के घर चले जाता है, पर गेट नॉक करने की उसकी हिम्मत नहीं होती इसलिए वो पेड़ पर चढ़ जाता है और उसे देखने लगता है। हेलिना अकेले ड्रिंक ले रही थी लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वो अकेले नहीं है और रे नाम का लड़का उसके साथ घपाघप कर रहा है जिसे देखकर निक अंदर से टूट जाता है और वो रास्ते में टेलीफोन बूथ पर आकर लॉरेंस को कॉल करके बोलता है कि मुझे हेलिना वापस चाहिए। लॉरेंस बोलता है कि तुम उसे भूल जाओ और तुम अपनी वाइफ एनी के बारे में सोचो, जिसके बाद निक अपने घर चला जाता है। अगले दिन निक अपने घर पर एक छोटी सी पार्टी रखता है और रात में वो हेलिना के घर के बाहर गाड़ी लगा के उसके एक झलक का इंतजार करता है लेकिन निक उसका इंतजार करते करते सो जाता है लेकिन हेलिना नहीं आती। इधर एनी भी निक का इंतजार करते करते सोफे पे ही सो जाती है। तब अचानक से निक की आंख खुलती है और वो भागते हुए एनी के पास आ जाता है। घर आने पे उसे पता चलता है कि एनी सो चुकी है लेकिन निक अभी भी नहीं सोता क्योंकि उसे प्यार का बुखार लगा था। वो उस टाइम पे हेलिना को कॉल करता है। हेलिना अपनी नींद खराब करके बहुत मेहनत से घपाघप कर रही थी। फोन उठाने के बाद निक को उसकी घपाघप की आवाज सुनाई देती है जिसके कारण निक की बात करने की हिम्मत नहीं होती और वो फोन काट देता है। इधर हेलिना का भी मूड खराब हो जाता है क्योंकि रे उसे अच्छे से सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था। दोनों के बीच इसी बात से बहस हो जाती है और रे वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह रे फिर से हेलिना के घर पर आकर क्लब जाने के लिए इनवाइट करता है, पर हेलिना बोलती है कि मैं थोड़ी बिजी हूँ क्योंकि मुझे एक छोटी सी पार्टी में जा रहा है, कल मैं मैक्सिको चली जाऊंगी, जिसे सुनके रे वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। शाम को निक के घर पे पार्टी थी और सारे गेस्ट आए हुए थे लेकिन निक की निगाहें किसी और को ही ढूंढ रही थी। थोड़ी देर में हेलिना वहाँ आ जाती है और निक उसे देख के काफी खुश होता है। हेलिना निक से बोलती है कि अब तुम यहाँ रहते हो? निक बोलता है हाँ, ये घर मुझे विरासत में मिली है। हेलिना निक को अपना बैग पकड़ा के पार्टी एंजॉय करने लगती है। तभी एक रजल नाम का आदमी निक से पूछता है कि वो लड़की कौन है, जिस पर निक बोलता है कि उसका नाम हेलिना है। रजल निक से बोलता है कि तुम यहीं रुको और खुद जाके हेलिना से पलंग तोड़ने की बातें करने लगता है, जिसे देख के निक के पिछवाड़े में आग लग जाती है। उसके बाद हेलिना सब कुछ उतार के पार्टी में ही नहाने लगती है जिससे पार्टी के सभी लोग उसे नोटिस करने लगते हैं। जिसके बाद निक की वाइफ उसे अकेले में ले जाके पूछती है कि तुमने हेलिना को इनवाइट क्यों किया, क्या तुम इसके साथ पहले सोए थे, जिसके कारण दोनों में बहस हो जाती है। थोड़ी देर में हेलिना और रजल दोनों निक से बोलते हैं कि पार्टी बहुत अच्छी थी और हम दोनों सोने जा रहे हैं। ये सुन के निक की फटके चार हो जाती है और निक मन ही मन सोचता है कि मुझ में क्या कमी थी। अगले दिन हेलिना फिर से निक को कॉल करती है और बोलती है कि मेरा बैग तुम्हारे पास है और मुझे एयरपोर्ट के लिए लेट हो रहा है, इसलिए तुम मेरा बैग मुझे एयरपोर्ट पे पहुंचा दो। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद निक उसका वेट करता है और हेलिना आते के साथ ही निक पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है क्योंकि उसे निक चूतिया इंसान लगता था। तभी वो अपने बैग में देखती है कि उसका एड्रेस बुक उसके बैग में नहीं है, जिससे हेलिना और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। निक उससे बोलता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, शायद तुम्हारा एड्रेस बुक घर पे रह गया होगा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दोबारा एयरपोर्ट छोड़ दूंगा। घर पहुंचने के बाद निक उसे खाने के लिए पूछता है लेकिन हेलिना उसे साफ मना कर देती है। तब निक उसे बोलता है कि तुम बस एक ड्रिंक ले लो, जिस पर हेलिना मान जाती है। घर के अंदर आने पर हेलिना एक ड्रिंक लेती है। वो निक से अपना एड्रेस बुक मांगती है और निक उसे बुक दे देता है, लेकिन निक के बुक देने के तरीके से साफ पता चल रहा था कि उसने जानबूझ के ये सब छुपा रखा था। उसके बाद हेलिना गुस्से में वहाँ से पैदल जाने लगती है। निक उसे पीछे से आवाज लगाने लगता है और सड़क पे खड़े होकर हेलिना उससे बात करने लगती है। तभी पीछे से एक गाड़ी आती है और हेलिना का एक्सीडेंट हो जाता है और वो गाड़ी हेलिना के दोनों पैर को कुचल देती है। तभी सीन स्विच होता है और हम हॉस्पिटल को देखते हैं जहाँ निक के बारे में बातें चल रही थी कि निक काफी दिनों से
हॉस्पिटल नहीं आया। या तो उसे काम छोड़ देना चाहिए या उसे कुछ रीजन बताना चाहिए। शाम को डॉक्टर लॉरेंस निक से मिलने जाता है और वो उससे पूछता है कि तुम इतने लंबे समय से कहाँ थे। तभी लॉरेंस को निक के दूसरे कमरे से एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, जहाँ वो दोनों जाके देखते हैं कि हेलिना को होश आ गया था, जिसे देख के डॉक्टर लॉरेंस भी काफी शॉक हो जाता है। निक डॉक्टर लॉरेंस से बोलता है कि हेलिना का एक्सीडेंट हो गया था, जिसके कारण उसके दोनों पैर डैमेज हो गए थे और फाइनली मुझे उसके दोनों पैर काटने पड़े। अब वो यहाँ सेफ है और मैं उसका पूरा देखभाल करूंगा, पर इसके बारे में तुम किसी को कुछ भी मत बताना। और निक लॉरेंस को वहाँ से वापस भेज देता है। अगले दिन जब हेलिना की आँख खुलती है तो पैर ना होने की वजह से उसे बहुत बड़ा झटका लगता है और वो काफी रोने लगती है। निक उसे समझाता है और प्यार से उसकी देखभाल करने लगता है, लेकिन हेलिना अपने इस हालत की जिम्मेवार निक को मानती है। वो निक को ब्लेम करते हुए बोलती है कि अगर तुमने मुझे उस दिन बुक दे दी होती तो शायद मेरे साथ ये सब कुछ नहीं होता। जिस पे निक बोलता है कि तुम जिंदा हो यही काफी है मेरे लिए। हेलिना उसे चीजें फेंक के मारने लगती है। अगले दिन निक घर के सारे दरवाजे और विंडो सबको लॉक कर देता है, जिस पे हेलिना पूछती आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो। निक बोलता है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ। हेलिना बोलती है तुम मेरा ख्याल कभी नहीं रख सकते और अगर ऐसा होता तो आज मैं यहाँ नहीं होती। उसके बाद निक हेलिना को बाबू सोना जादू टोना करके मनाने लगता है, लेकिन हेलिना उसे थप्पड़ मार देती है, जिसके कारण उसका प्यार का भूत थोड़ी देर के लिए साइलेंट हो जाता है। इधर रे भी हेलिना को जगह जगह ढूंढ रहा था। एक दिन निक की वाइफ उससे मिलने के लिए आती है, जिसे देख के हेलिना काफी चिल्लाने लगती है, पर निक उसके मुंह पे कपड़ा लगा के उसे छुपा देता है। एनी ने काफी दिन से किया नहीं था, इसलिए वो आते के साथ निक के ऊपर चढ़ जाती है और घपाघप शुरू कर देती है, जिसे चुपके से हेलिना भी देख रही थी। निक को एनी में हेलिना नजर आ रही थी और वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करने लगता है, लेकिन थोड़ी देर में निक का मूड और तबीयत दोनों खराब हो जाती है, जिसे देखकर एनी बोलती है कि हम फिर कभी करेंगे। निक एनी पे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेता, जिसके कारण वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है, और निक भी यही चाहता था। रे भी उसे चुपके से गार्डन से देख रहा था, क्योंकि उसे निक पर शक था, क्योंकि रे के हिसाब से हेलिना लास्ट टाइम निक के पार्टी में ही आई थी। अगले दिन हेलिना और निक में कहासुनी हो जाती है और हेलिना उसका गला दबाने लगती है, जिसके बाद निक हेलिना के दोनों हाथ काट देता है। अभी कम से कम धोने के लिए तो छोड़ देता। एक दिन हेलिना निक से पूछती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो उससे एक गन मंगवाती है और कहती है कि तुम मुझे शूट कर दो, क्योंकि ऐसी जिंदगी से मर जाना बेहतर होगा, पर निक उसे शूट नहीं कर पाता। दूसरे दिन निक एक नई लड़की को बुला के उसके साथ घपाघप करता है, जिसे हेलिना भी काफी एंजॉय करती है। अगले दिन हेलिना निक से पूछती है कि क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो। निक बोलता है कि हाँ। हेलिना बोलती है कि मुझे किस करो, और किस करते समय दोनों घपाघप करने लगते हैं, लेकिन घपाघप के बीच में रे वहाँ आ जाता है और वो हेलिना की ये हालत देख के निक को बहुत मारता है। वो निक को जान से मारने वाला था, लेकिन हेलिना बोलती है कि तुम उसे छोड़ दो और उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है। रे वहाँ से चला जाता है और हेलिना जोर जोर से आवाज लगा के निक को उठाने लगती है। जब निक की आँख खुलती है तब वो देखता है कि ये सब कुछ एक सपना है। हेलिना का बस पैर फ्रैक्चर हुआ था और उसका हाथ पैर सही सलामत था। लास्ट में हम व्यूवर्स को पता चलता है कि ये सब कुछ निक की ओवरथिंकिंग की वजह से हुआ था और निक की मेंटल कंडीशन कुछ ठीक नहीं थी, और ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। ऐसे ही और स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।